देवरी नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास कृष्णकांत मिश्रा ने कथा प्रसंग में बताया कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। से एक बड़े महानुभाव संतों का समागम लगा हुआ है। आज राजर्षि परीक्षित सभी संत समागम में बोलते हैं, हे प्रभु, हे संत जी, आप छोटे छोटे वहाँ पर बच्चे हैं, उनका सहायता सहायक बनना हमारा और आपका कर्तव्य है। दिया हुआ वही दान आपका सार्थक हो सकता है, नहीं तो ऐसी नर्मदा मैया स्वीकार करने वाली नहीं है। आज जब राजर्षि परीक्षित माँ गंगा के सुपुनीत तट पर गए, नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांचे। प्रभु जी, ना स्वर्ग से मतलब है, ना वैकुंठ से मतलब है, ना कैलाश से मतलब है, हमें केवल मतलब इतना है, एक संत का श्राप लगा है, आज से आपके लिए सप्तम दिवस पर तक्षक नाम का सर्प आएगा और डस लेगा और आपका संसार से जाना हो जाएगा। सब कुछ छोड़ करके अपने बेटा जन्मेंद्र के लिए